हेलो एवरीवन, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देख लिए थे पूरे, माउथ से लेके एनस तक के। अब क्या बचा था अपना? वाल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अब तक हमारा, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की चार वॉल्स होती है। सबसे पहली सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा। ये चार लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। अब इनको एक एक पढ़ते हैं। जो ये सबसे आउटर मोस्ट आपको दिख रही है, ये पतली सी लेयर, सिंगल लेयर, वो सीरोसा है। सीरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये थिन मीजोथीलियम से बनी होती है। मीजोथीलियम जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के, उनके ऊपर की एपिथीलियम को बोलते हैं। तो सीरोसा के अंदर वो थिन मीजोथीलियम होता है एंड इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है, कनेक्टिव टिश्यू, थिन मीजोथीलियम एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। फिर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के नाम से दिख रहा है, मसल, मस्कुलरिस मसल की लेयर है। तो ये दो लेयर से बना होता है जिसके अंदर दो टाइप की मसल होती है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। अंदर वाली सर्कुलर होती है ये वाली, और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है ये वाली। तो ये दोनों लेयर जो हैं, एक ये मस्कुलरिस की लेयर है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कभी कभी एक तीसरी लेयर भी प्रजेंट हो जाती है मसल्स की, ओब्लिक मसल लेयर, जो कहाँ होती है? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर इन दो लेयर्स के अलावा एक लेयर और पाई जाती है, ओब्लिक मसल लेयर। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन सब म्यूकोसा पे जाते हैं। सब म्यूकोसा आपको ये पिंक कलर की दिख रही है ना, ये वाली पूरी, ये सब म्यूकोसा है। तो सब म्यूकोसा के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, लिम्फ वेसल्स होती हैं इसके अंदर, नर्व्स होती हैं इसके अंदर। और एक चीज़ मेन याद रखनी है आपको इम्पोर्टेंट, कि जो ड्यूडोनम की सब म्यूकोसा होती है ना, उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट म्यूकोसा देखते हैं। म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अब म्यूकोसा कुछ चीज़ें फॉर्म करती है। एक तो आपको याद रखना है कि स्टोमक में ये इररेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिनको गैस्ट्रिक रगी बोलते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करती है जिनको अपन विलाई बोलते हैं, जो तो आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं। ये देखो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये सारे विलाई है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती हैं स्टोमक के अंदर, वो भी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड म्यूकोसा के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकून होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ जो आपको ये विलाइज दिख रही हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इनके बेस में स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकून बोलते हैं, जो क्या करती हैं? कुछ सिक्रेशंस करती हैं। तो आपको म्यूकोसा के अंदर याद रखना है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, स्टोमक के अंदर इररेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिनको गैस्ट्रिक रगी बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिनको विलाई बोलते हैं, और स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो इसी म्यूकोसा के अंदर प्रजेंट होती है, एंड इंटेस्टाइन के अंदर जो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून होते हैं वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा।
वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अपन एक बार विलाई की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो म्यूकोसा की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये विलाई है पूरे, ये पूरे विलाई है। अब विलाई के अंदर एक लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम होता है लैक्टियल, जो कि फैट होती है उसका एब्जॉर्प्शन करती है। और इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेंस होती है। अब ब्लड सप्लाई होगी तो आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज तो होंगी, और लिम्फ सप्लाई होगी तो ये होंगी लैक्टियल्स। एक जो आपने देखा था क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, जो ये विलाइज है इनके बेस के अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून्स होते हैं जो कुछ सिक्रेशंस करते हैं। और जो ये विलाइज हैं इनकी सरफेस पे बहुत बारीक बारीक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ये देखने पे ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर लगती है, तो इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो आपको इतना याद रखना है विलाई के बारे में कि विलाई के अंदर लैक्टियल होती है जो लिम्फ वेसल होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून होते हैं उसके बेस में, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेंस होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, और इनकी सरफेस पे बारीक बारीक माइक्रोविलाइज होती है, इसलिए ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है ये, और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ये विलाइज एंड माइक्रोविलाइज एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है वो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी है। एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स, एक है लीवर, एक है पैनक्रियाज, और एक है गॉल ब्लैडर। अब इनको एक एक पढ़ते हैं अपन सबके बारे में डिटेल से। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स देखते हैं अपन। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रेट करना। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा मीन्स अपनी जो लार आती है ना मुंह में, वो सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स होती है तीन पेयर, कौन कौन सी होती है इनके नाम देखते जाओ आप। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक होती है सब मैंडिबुलर ओब्लिक सब मैगजिलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है उसी को सब मैगजुलरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये तीन ग्लैंड्स होती है जो पेयर्स के अंदर होती है, मतलब दो पैरोटिड होंगी, दो सबलिंगुअल होंगी, दो सब मैंडिबुलर होंगी। अब इनको देखते हैं अपन डायग्राम्स के थ्रू। ये डायग्राम्स है सलाइवरी ग्लैंड्स का आपका। तो ये देखो पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये जो अपना मीटस है, ईयर है, उससे जस्ट आगे होती है, यहाँ पे होती है। ये दो ग्लैंड्स होती है, ये एक लेफ्ट में एक राइट में। और पैरोटिड ग्लैंड्स की जो डक्ट आती है, ये वाली डक्ट, मतलब जो लार छोड़ती है मुँह में, उस डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, नाम से दिख रहा है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे जो टंग के नीचे होती है जस्ट, ये सबलिंगुअल ग्लैंड दो होती है और सलाइवा सिक्रेशन करती है। इसकी डक्ट कौन सी होती है? बार्थोलिन, बार्थोलिन डक्ट होती है। अब बची सब मैंडिबुलर या सब मैगजिलरी, ये जस्ट जो ये मैंडिबल है अपना, जो ये बोन है अपनी चिन वाली बोन, इस बोन के नीचे होती है जस्ट। इसको तो आप हाथ से भी फील कर सकते हो, जैसे आप मैंडिबल के नीचे हाथ लगाओगे तो आपको एक लेफ्ट एक राइट में दो फील होती है, तो वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इसकी डक्ट कौन सी होती है? वार्टन डक्ट। तो ये सब आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में याद रखनी है। तीन ग्लैंड्स होती हैं जो पैर के अंदर होती है, ये देख लीजिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं इनको। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड्स आती है लीवर, उसके ऊपर चलते हैं अपन। लीवर, अब लीवर के बारे में आपको क्या याद रखना है? लीवर 1.2 केजी से 1.5 केजी होता है, बहुत बड़ा ऑर्गन होता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लीवर की दो लोब्स होती हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये दो लोब्स हैं, एक तो राइट लोब
एक लेफ्ट लोब, दो लोब है लीवर की। ये दोनों लोब है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दोनों के दोनों लोब, और ये कवर होती है एक बारीक लेयर से, पतली लेयर से, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो लीवर की दो लोब होती है, लेफ्ट राइट, ग्लिसन कैप्सूल से कवर होती है, दोनों लोब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और 1.2 से 1.5 केजी होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। दिख ही रहा है इतना बड़ा है, 1.2 से 1.5, 1.5 किलो का है समथिंग। नेक्स्ट गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर ये लीवर के अंदर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है लीवर से घिरा हुआ होता है। और गोल ब्लेडर क्या करता है, गोल ब्लेडर का काम क्या है, ये क्या करता है, जो बाइल होता है उसको कंसंट्रेट करता है और स्टोर भी करके रखता है और उसको निकालता भी है जरूरत पड़ने पे। तो ये काम है गोल ब्लेडर का, बाइल का कंसंट्रेशन, स्टोरेज, और उसको जब जरूरत पड़े तब निकालना। बाइल सेक्रेट कहाँ से होता है, ये लीवर से होता है, राइट और लेफ्ट दोनों लोब से मिला के। फिर अब इसका पाथ देखते हैं अपन कि कहाँ से कहाँ जाता है बाइल, ट्रेवल कहाँ करता है, तो चलिए देखते हैं अपन। तो ये आपकी राइट लोब है लीवर की, और ये आपकी लेफ्ट लोब है। राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट आई, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आई, और दोनों मिला के क्या बना ली, कॉमन हिपेटिक डक्ट। राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट बना ली। अब ये है ना, गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों मिल गई, गोल ब्लैडर की डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये दोनों बना ली कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, याद रखना आपको कॉमन बाइल डक्ट है ये। फिर कॉमन बाइल डक्ट मिल गई पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो पैनक्रियाज का सिक्रेशन लेके आ रही है उससे मिल गई। तो ये जो बन गई आपकी, ये क्या बन गई, जो मेन कॉमन है, ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, लीवर की और पैनक्रियाज की दोनों की मिला के डक्ट बन गई है। फिर एक चीज़ और याद रखनी है, ये यहाँ पे जो इसमें खुलती है सी सेप की ड्यूडेनम में, वहाँ एक स्पिंक्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं उसको। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी चीज़ को अपन एक बार एनसीईआरटी वाले डायग्राम से देखते हैं। तो ये रहा आपका गोल ब्लैडर, ये रही आपकी डक्ट्स ऑफ लीवर, कौन कौन सी, राइट एंड लेफ्ट, ये वाली राइट है, ये वाली लेफ्ट है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाई। इधर से डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर कौन सी, सिस्टिक, सिस्टिक डक्ट आई, और दोनों मिलके क्या बना दी, कॉमन बाइल डक्ट बना दी। यहाँ इधर से पैनक्रियाज से आई पैनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों मिलके हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना दी। यहाँ पे जो स्पिंक्टर है वो हो गया ओडाई वाला, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट अपन पैनक्रियाज देखते हैं। तो पैनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन करे। अब एंडोक्राइन आपको पता है वो ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन बिना किसी डक्ट की मदद से करती है, और एक्सोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन डक्ट्स की मदद से करती है। तो जैसे कि ये पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से कर रही है सिक्रेशन, तो इसको एक्सोक्राइन भी बोलेंगे। अब इसका जो 99% पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, और 1% पार्ट ये एंडोक्राइन होता है। तो जो ये 1% पार्ट है वो क्या सिक्रेट करता है, हॉर्मोन, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो 1% पार्ट होता है इसका एंडोक्राइन होता है, और वो इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करता है। बाकी 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से ड्यूडेनम में चला जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो ये आपको पेनक्रियाज के बारे में याद रखना है। और पेनक्रियाज की सिचुएशन देख लो आप, जो सी सेप ड्यूडेनम होती है उसके कर्व के बीच में सिचुएटेड होता है, और इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो टेल, एक बॉडी और एक हेड। ये वाला हेड होता है, ये बीच वाला बॉडी, और ये आगे जो टेल की तरह दिख रहा है, पूंछ की तरह, वो टेल होता है। बाकी पेनक्रियाज के बारे में आप जो अपना चैप्टर आएगा एंडोक्राइन सिस्टम उसमें पढ़ लोगे, ठीक है। ये आपकी ग्लैंड्स हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट अपन जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो देखेंगे, कैसे अपना फूड माउथ से लेके एनस तक ट्रेवल करेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या डाइजेशन होगा और कहाँ कहाँ क्या एब्जॉर्प्शन होगा, वो सारा देखेंगे अपन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए।